सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, सत्र 2024-25 में विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले बाल समारोह के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यानी बाल समारोह जो मनाना है उसके दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। उस दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र 2024-25 का जो बाल समारोह है वो हमें बाल दिवस के दिन मनाना है। ये बाल दिवस 14 नवंबर को पड़ता है, तो 14 नवंबर 2024 को हम सभी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी को बाल दिवस समारोह मनाना है। बाल समारोह जो हम मनाने जा रहे हैं उसमें जो गतिविधि आयोजित की जाएगी उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बात करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के इस दिशा निर्देश की जो आज जारी किए गए हैं बाल समारोह के संबंध में हैं, तो इसके संबंध में सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग राशि जारी की गई है और इसमें SMC और SDMC की बैठक आयोजित करने का भी उपयुक्त अवसर है। तो हम इस दिन SMC SDMC की बैठक भी आयोजित कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये आयोजन जो करना है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं गतिविधि, तो यहाँ वो भी बात बताई गई है कि बाल समारोह जो 14 नवंबर 2024 को आयोजित होगा वो राज्य के प्राथमिक, उच्च माध्यमिक सभी में आयोजित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तथा माता पिता को बच्चों द्वारा भाग लिए जाने वाली प्रतियोगिताओं को देखने के लिए और बच्चों के साथ भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। यानी विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं वो भी आएंगे और जो भाग लेंगे उसमें जो गतिविधि है जैसे साहित्य, खेलकूद और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंधित होगी। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में वाद विवाद, आशु भाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी और हिंदी शब्दों की अंताक्षरी आदि। खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत खो खो, कबड्डी, चम्मच दौड़, 100 मीटर दौड़, रुमाल दुपट्टा आदि आप सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ करवा सकते हैं और इसके अलावा गायन, नृत्य और ड्रामा आदि भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप स्थानीय स्तर की जो भी प्रचलित खेलकूद है, सांस्कृतिक प्रतियोगिता है, साहित्यिक प्रतियोगिता वो इसमें शामिल कर सकते हैं। प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विद्यालय में 3 समूहों में बांटा जाएगा। हर विद्यालय को 3 समूहों में, प्राथमिक में प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह, उच्च प्राथमिक में, उच्च माध्यमिक में। तो इसके लिए जो कक्षा निर्धारण की गई है वो भी आप देख पा रहे हैं। प्रथम समूह के लिए कक्षा 1 और 2, द्वितीय समूह के लिए 3 और 4, तृतीय समूह के लिए कक्षा 5। इसी तरह से उच्च प्राथमिक में भी अलग अलग कक्षाओं का निर्धारण किया गया है, उच्च माध्यमिक में भी अलग अलग कक्षाओं का निर्धारण अलग अलग समूह में किया गया है। अब प्रत्येक समूह में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रहने वाले छात्र छात्रा होंगे उनको 25 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो 25 रुपये के प्रतीक चिन्ह पुरस्कार के रूप में इसको दिए जाएंगे और सभी प्रतियोगिताएँ पुरस्कार वितरण समाप्त होने के पश्चात SMC साधारण सभा SDMC की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की कार्रवाई का रिकॉर्ड आपको विद्यालय में संधारित करना होगा। इसके अतिरिक्त अनामंकित और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है और बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की नियमितता, उनकी शैक्षिक प्रगति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल अधिकार कार्यक्रम आदि विषयों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। प्रति विद्यालय व्यय विवरण आप देख सकते हैं कि कौन सा विद्यालय कितना व्यय कर सकता है प्रतियोगिता में, साहित्य प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता या सांस्कृतिक प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में। बाल समारोह की रिपोर्ट तैयार करके आप विद्यालय रिकॉर्ड में रखें और उसकी एक प्रति ब्लॉक कार्यालय को भी प्रेषित करें। जो प्रतिवेदन तैयार करेंगे आप उसमें आप बाल समारोह में उपस्थित अभिभावक, जनप्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग दर्शा सकते हैं। प्रतियोगिता हेतु निर्णय नियुक्त निर्णायकों का विवरण है, संपूर्ण कार्यक्रम का समय, विभाग चक्र है और पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों का विवरण भी दर्शा सकते हैं। इसके लिए सभी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 250 रुपये से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं खर्च करने हैं। इसके अलावा अगर आप भामाशाह और दानदाताओं से सहयोग लेते हैं तो इस समारोह को और अधिक अच्छा और प्रभावी बना सकते हैं। ये बाल समारोह दोस्तों 14 नवंबर को ही आयोजित किया जाएगा। 14 नवंबर को अगर ये अवकाश हो जाता है किसी कारणवश तो आप उसके अगले दिन भी इसका आयोजन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएँ। एजुकेशन